बंदे को यहाँ पर नहीं पता है, जिन गाड़ी में आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक देखने मिलती है फ्रंट और रियर में, तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक के साथ यहाँ पर डिस्क ब्रेक ऑयल भी होता है। ये जो ऑयल है फ्रंट का डिस्क ब्रेक ऑयल, यहाँ पर आप देख पा रहोगे ये रहा हैंडल में होता है। इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना, दो इसमें स्क्रू होते हैं, स्क्रू को ओपन करने के बाद अंदर आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक ऑयल देखने को मिल जाता है। ये रहा डिस्क ब्रेक ऑयल फ्रंट का। उसके गाइस आपको मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता ये डिस्क ब्रेक ऑयल किस कंपनी का पड़ता है, तो आपको इस ढक्कन के ऊपर होता है, इसके कैप के ऊपर मेंशन किया हुआ है, जैसे ऑनलाइन ओनली .3 या 4। ये जो ओनली .3 या 4 है ब्रेक ऑयल मॉडल है, ये जो आप पता कर सकते हैं ऑथराइज बजाज की शोरूम से भी पता कर सकते हैं या फिर सर्विस सेंटर से। और रेयर में आपको जो डिस्क मिलती है ये रही, जैसे इस मॉडल में रेयर में डिस्क है, उसका जो डिस्क ब्रेक ऑयल होता है ये रहा डिस्क ब्रेक ऑयल। इसको आप यहाँ से अनस्क्रू कर लेना और खोल के चेक कर लेना कितना ऑयल इसमें पड़ा है। ये जो ऑयल है आपका अराउंड 6 या 7 के किलोमीटर रन होने के बाद ऑयल को आपको फिर से रिफिल कराना पड़ता है। ऑयल इसलिए डलता है क्योंकि ये डिस्क को जाम होने से बचाता है। ऐसे और गाइस वीडियो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।